पहले अंदर देख लो, समझ लो, उसके बाद हाँ ठीक है, कभी स्टार्ट तो ना ले दो। वॉकरूम ऐसा होता बाइक के बाद मैं दो तीन वॉकरूम आने बाहर से जो देखिए 2009 में इसकी नींव खोदी गई थी और उद्देश्य इसका ये था कि भारत में कहावत मशहूर हो गई कि 100 में 90 बेमान, हालांकि अब तो वो 100 में 99 तक पहुंच गई है, फिर भी मेरा देश महान। इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार बढ़ गया है कि ये देवी शक्तियों के अलावा इसको कोई दूर नहीं कर सकता, भले आप 1 लाख छोड़ करके 1 करोड़ लोकपाल बैठा लो या लोकायुक्त बैठा लो। तो इसलिए 2012 को ये कम्प्लीट हो गया था, इसका लोकार्पण हमने जो है कराया था पवन रानी वाल्मीकि, जो कि दलित भी है विकलांग भी है। यहाँ पर जब कभी भी पुजारी होगा तो दलित ही होगा यहाँ पे, और उन्हीं का मतलब मेन यहाँ पे प्रायोरिटी रहेगी। और जितने भी लोग पावर में थे भ्रष्टाचार को दूर करने, हमको पता है कि भाई हमारे बस की नहीं और किसी के बस की नहीं, देवी शक्तियाँ ही कर सकती हैं। फोटोज वगैरह हैं जजों की और नेताओं की और मंत्रियों की, इनके क्या ये देखिए, ये हमारे कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, ये तीनों हैं, यही पावर में हैं। तो जितने नेता पावर में हैं, जैसे मोदी जी भी हैं, अडवाणी जी भी थे, जितने भी थे नेता और जो पावरफुल नेता थे और जो आपके चीफ मिनिस्टर वगैरह थे दूसरे स्टेट के, सबकी फोटोएँ लगा दी गई। और सुप्रीम कोर्ट के जजेस, बाकी सारे कोर्ट्स के चीफ जस्टिसेस और बाकी इलाहाबाद हाई कोर्ट के सारे जजेस की फ़ोटो लगाई गई। और शनिदेव जी से प्रार्थना की गई है कि जो इनमें से जनता के हित में करे काम उसको जो है उन्नति दें, और जो अगर जनता के खिलाफ चले, भ्रष्टाचार करें, उसका ये पतन करें। अब ये शनिदेव के ऊपर छोड़ दिया कि कौन कैसा, वो उसको क्या दंड देते हैं, किसको वो आगे बढ़ाते हैं, ये सब उनके भरोसे है। क्योंकि ये मानव के लिए, ये हमारे लिए सक्षम ही नहीं है कि ये इस देश से भ्रष्टाचार को मिटा सकें।